उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस हाई स्कूल शहीद चौक शिकारपुर थाना के साथ अन्य चौक चौराहे पर भी फहराया गया झंडा। राष्ट्रीय गीत से गूंज उठा पूरा नगर परिषद। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के हाई स्कूल चौक के शहीद चौक पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर परिषद कार्यालय पदाधिकारी आमिर सोहेल ने पहले शहीदों को पुष्प अर्पित कर वंदना किया, फिर झंडोत्तोलन किया। वहीं मौजूद सभापति रीना देवी, उपसभापति पूनम देवी, नगर प्रबंधक रितेश कुमार एवं शोभा स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष अवध किशोर सिन्हा, पूर्व वार्ड पार्षद संतोष राज शहीद चौक पर झंडोत्तोलन के समय मौजूद रहे। वहीं श्याम बाल विकास विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने जन गण मन अधिनायक के गीत से वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। वहीं हाई स्कूल शिकारपुर थाना शहीद चौक अनुमंडल कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस नगर परिषद के साथ अन्य चौक चौराहों पर झंडोत्तोलन किया गया। वहीं नरकटियागंज हाई स्कूल के प्रांगण में झांकी प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर के लोगों में भी काफ़ी उत्साह दिखा और संविधान के प्रति प्रेम दिखा। कुछ लोग हाथ में झंडा लेकर देशभक्ति गीत गाते हुए झांकी निकाले, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पोखरा चौक रोड स्थित में भी झंडोत्तोलन का आयोजन देश के संविधान के सम्मान में किया गया। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष रंजीत सोनी ने बताया कि आज के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, जिसको लेकर सभी देशवासी संविधान के सम्मान में 26 जनवरी को झंडोत्तोलन का आयोजन भारत के सभी कार्यालय सहित राजनीतिक पार्टी अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करते हैं और लोगों में जलेबी खिलाकर उनका मुंह मीठा कराते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोलन आप कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले तो आज इस 75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पे नगर के जितने भी जनता हैं, सभी पत्रकार बंधु, सभी मीडिया बंधु, सभी हमारे स्टाफ, जितने भी अनुभवी लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधि, तो हमारे तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं। और दिवस हम लोग को निश्चित रूप से जो हमारे संविधान जिस दिन लागू हुई थी 26 जनवरी को, उसी के आलोक में मनाई जाती है और हम यही नगरवासियों की शुभकामनाएं देते हैं कि 2024 जो रहे हम लोग संविधान के बताए हुए बातों पे चले और जिस प्रकार से अपनी उपयोगिता उस तरीके से सिद्ध करें कि इस शहर का विकास हो, किस राज्य का विकास हो।